निकलो निकलो फटाक से निकलो। ठीक है आ जल्दी आ। अभी सुबह का 4:30 यानी 4:45 बज रहा, 4:45। ठीक है अभी हम यहाँ पे किसी का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो आएगा और फिर यहाँ से चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बाकी सारी बातें रास्ते में होगी। अभी भी हल्का हल्का अंधेरा है और सुबह होने को है। जैसे ही होगा हम लोग यहाँ से निकलेंगे, बस किसी का वेट कर रहे हैं, आएगा और हम लोग यहाँ पर चलेंगे। अभी 4:50 हो रहा है, 4:50। रुको मैं दिखाता हूँ टाइमिंग, यहाँ एक बड़ा सा घड़ी लगा हुआ है, 4:50। तुम बोला हम उसी वक्त घर से निकल रहे हैं तो इतना लेट काहे किए, तुम बोला उसी वक्त हम घर से निकल रहे हैं तो इतना लेट काहे किए। मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे मुझे छोड़ के। आज 25 रमज़ान है, आखिरी जुमा भी है, मिस अलविदा। इसे हम लोग छोटा ईद के रूप में भी मनाते हैं और आज मंथ का भी लास्ट डेट है। और इसके साथ साथ बहुत कुछ आज आखिरी होने वाला है इस जुमे की तरह, जैसे कि मेरा ये भी लोग। चलो एनीवे ये सब बातें बाद में, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज मैं यहाँ कहाँ हूँ, क्यों हूँ, किस लिए। फिर भी आज रात में सो नहीं पाया सही से और सुबह भी नींद नहीं आई तो सोचे चलो कहीं से आया जाए, और सुबह सुबह मैं यहाँ पे चला आया। यहाँ आने के बाद इतनी अच्छी हवाएं चलती है, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी मौसम रहती है कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ आने का सिर्फ दो ही रीज़न है, एक सुकून, दूसरा स्विमिंग। तो जब लोनलेस फील होता है या अकेलापन होता है तो मैं इस जगह पे चला आता हूँ, इसी जगह पे बैठ के कैमरे से बातें करते रहता हूँ मैं, और आज भी वही लग रहा और अलविदा मीन्स आखिरी जुम्मा ये रमज़ान। और इस आखिरी जुम्मे के
साथ साथ बहुत कुछ आज आखिरी होने वाला है, बहुत कुछ आखिरी होने वाला है। वैसे मैं एक बात बता दूं, कुछ चीज़ें भी है, कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई भी थी, वो मैं घर जाने के बाद आपको बताऊंगा क्या मंगवाया था, क्या ऑर्डर किया था, क्या आया क्या नहीं आया। हालांकि वो चीज़ अब मेरे कोई काम की नहीं है, बिकॉज़ जो सोच कर मंगवाया था वो काम हुआ नहीं और होगा भी नहीं। क्या बोलूँ मैं, आज पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि बोलने से मुझे पहले मुझे सोचना पड़ रहा है। आज यहाँ आने का सिर्फ दो रीज़न है। पहला, जब मन बेचैन रहता है और मुझे सुकून की ज़रूरत होती है तो मैं इस जगह पे चला आता हूँ। दूसरा, कि आज कुछ मैसेजेस देने हैं किसी को, इसी वजह से मैं घर से सुबह 4:30 बजे निकला था, बिकॉज टाइप का फील हो रहा था, इसलिए मैं घर से चला आया। और घर से आने के बाद मैं इस जगह पे बैठ कर जब कैमरे के साथ मैं आप लोगों से बातें करता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, और यही वजह है कि मैं यहाँ पे बैठ के कुछ बातें कर ले रहा हूँ। वैसे आज बता दूँ, आज 25 रमज़ान है और आज मंथ का लास्ट डेट भी है, आखिरी जुम्मा भी है, मीन्स अलविदा, और बहुत कुछ शायद आज आखिरी भी हो, बिकॉज बहुत दिनों से मैं कुछ बोलना चाह रहा था या बताना चाह रहा था, बट किसी का वेट कर रहा था मैं। एनीवे, कोई बात नहीं है, समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। काफ़ी तरह की बातें मन में चल रही थी, अभी भी चल रही है और शायद चलती रहे।